हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 3 के मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 7। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम लोग कंपैरिजन ऑफ नंबर्स अप टू 200, मतलब कि 200 तक के नंबरों की तुलना करना सीखेंगे और यह काफी इंटरेस्टिंग होगा। ये घर पर मस्ती के माध्यम से हम लोग इसको सीखेंगे। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जितनी भी वर्कशीट आई थी, सारी वर्कशीट हमारे चैनल पर अवेलेबल है और आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारी वर्कशीट को देख सकते हो। प्लेलिस्ट में क्लास 3 के वर्कशीट के प्लेलिस्ट को जब खोलोगे तो सारी वर्कशीट उसमें रखी हुई है, आप उसमें जाकर देख सकते हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए ताकि जितने भी आपके लिए वीडियोस अपलोड हो, सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट में हमें घर पर मस्ती करनी है, इसलिए आप बहुत आराम से इस चीज को सीखेंगे। सबीना, अकरम और साहिल कोरोना वायरस की वजह से बाहर खेलने नहीं जा रहे थे। खेलने तो आप भी नहीं जा रहे थे क्योंकि कोरोना की वजह से सब घरों में बंद थे, लॉकडाउन लगा हुआ था और कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। उनके घर का आंगन ही उनका मैदान बन गया था। घर बड़ा था, घर में आंगन भी था, तो उन्होंने घर के आंगन को ही घर का मैदान बना लिया था। यहां आप देख लीजिए तस्वीर में किस तरह से वो लोग घर के आंगन में खेल रहे हैं। काफी समय से उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला था, इसलिए उन्होंने आंगन में अपने पुराने बैट और बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया। दो तीन दिन तो वह मजे में खूब क्रिकेट खेलते रहे। फिर उन्होंने सोचा कि हम ध्यान ही नहीं देते कि कौन जीता और कौन हारा, किसने सबसे कम रन बनाए या ज्यादा रन बनाए। अब से रोजाना हमें कॉपी में बनाए हुए रनों का हिसाब करेंगे। तो अब रनों का हिसाब करना उन्होंने शुरू किया। देखिए, ये है उनके रनों का हिसाब। पहला दिन सबीना ने 23 रन बनाए, अकरम ने 35 रन बनाए और साहिल ने 46 रन बनाए। दूसरे दिन सबीना ने 45 रन और तीसरे दिन सबीना ने 44 रन बनाए। अकरम ने दूसरे दिन 43 रन और तीसरे दिन 45 रन बनाए। साहिल ने 47 और 52 रन बनाए। तो इस तरह से तीनों दिन इन लोगों ने कितने रन बनाए उसको हम जोड़ लेते हैं। तो 5 4 9 3 12 के 2 हो जाएगा यहाँ, और इसका हासिल इसमें लगेगा तो 2 1 3 4 3 7 4 11, 112 रन सबीना ने बनाए और 5 3 8 5 13 के 3 और हासिल 1 4 4 3 12, 113 रन अकरम ने बनाए, सॉरी 123 रन, और 6 7 13 2 15 4 1 5 4 9 और 4 13, 135 रन साहिल ने बनाए। तो इस तरह से टोटल इन लोगों ने कितने रन बनाए वो हमने लिख लिया। अब प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहले दिन सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, तो देखिए सबीना 23, अकरम 35 और साहिल 46। तो आप उत्तर में लिखेंगे साहिल ने बनाए। पहले दिन सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, साहिल ने बनाए। कौन से दिन सबसे ज्यादा रन बने, अब देखिए, अब ऐसे भी जोड़ना है। पहले दिन 3 5 8 और 6 4 14 और 3 3 6 और 4 10, 104 रन बने पहले दिन। दूसरे दिन कितने बने, तो 7 3 10 और 5 15 के 5 हाथ में 1, तो 4 4 8 4 12 और 1 13, 135 रन बने दूसरे दिन। तीसरे दिन देख लेते हैं, 5 2 7 और 4 11 हाथ में 1, तो 5 4 9 और 5 14, 141 रन बने। फिर से देखते हैं इसको, 5 2 7 4, तो इस तरह से पहले दिन 104 रन, दूसरे दिन 135 और तीसरे दिन 141 रन बनाए। तो कौन से दिन सबसे ज्यादा रन बने, तो आप लिख सकते हैं तीसरे दिन, तीसरे दिन सबसे ज्यादा रन बने। उसके बाद है कि 3 दिन के रन मिलाकर किसके रन सबसे कम है,
तो यहाँ आप देखिए 112 है समीना के और 123 है अक्रम के और 135 है साहिल के। तो सबसे कम रन है समीना के, तो आप यहाँ लिखेंगे समीना के। समीना के सबसे कम रन है। और उसके बाद है, क्या आपको क्रिकेट खेलना या देखना पसंद है, आप किसके साथ क्रिकेट खेलते हैं? तो आप यहां उत्तर में लिखेंगे अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो हाँ, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। आप किसके साथ क्रिकेट खेलते हैं? तो मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूं। हो गया। अब पांचवा प्रश्न है कि क्रिकेट का कौन सा खिलाड़ी आपका पसंदीदा है, उसका नाम लिखिए। तो भाई सबसे ज्यादा पसंदीदा खिलाड़ी तो सबके सचिन तेंदुलकर ही हैं, या फिर महेंद्र सिंह धोनी भी हो सकते हैं, सचिन, या फिर आपको जो पसंद आएगा आप उनका नाम लिखिएगा। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को समझाइए कि जीवन में सकारात्मक खेल भावना बनाए रखें और अपना मानसिक मनोबल ऊंचा रखें। और अंत में COVID-19 के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है कि COVID-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट में हम लोगों ने मस्ती में ही बहुत कुछ सीखा। तो इसी तरह की बहुत सारी वर्कशीट हमारे चैनल पर आती रहेंगी, आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।